वेलकम प्यारे बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। लैम्डा प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये जो आपके मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई दिए गए हैं, ये किस प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं, बस आपको ये बताना है। देखिएगा यहां पर क्या है, -4/5 × 1 is equal to 1 × -4/5 is equal to -4/5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी बन रही है, ठीक है। तो यहां देखेंगे माइनस वन का यहां पर रोल है, तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव ठीक है आइडेंटिटी। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला क्या है, -13/17 × -2/7 इज इक्वल टू -2/7 × -13/17। देखिए यहां पर क्या बन रहा है, अगर मैं इसे ए मान लू और मैं इसे बी मान लू, इसमें ये क्या बन जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा इंटू ये आपका ए बन जाएगा। मैंने आपको पहले क्लास सेवेंथ में पढ़ाया हुआ था ए प्लस बी या बी प्लस ए या ए इंटू बी या बी इंटू ए। जब आपका नंबर वही रहता है ए और बी का, बस आपका प्लेस चेंज हो जाता है आगे पीछे, तो ये इस तरह की आपकी बनती है कम्युकेटिव, ठीक है, कम्युकेटिव प्रॉपर्टी। क्या बनेगा आपका, देखिएगा कम्युकेटिव प्रॉपर्टी, कम्युकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, -19/29 × -29/-19 = 1। देखिए P/Q × Q/P, इस तरह से अब आपका मल्टीप्लाई होगा, तो इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर भी 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए ये आपका बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हो गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ खत्म हुआ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आपके बचे हुए हैं, इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।